राखी और राखी की मजेदार रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ हक्का नूडल्स, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेंगे, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं, बहुत ही लच्छेदार बनेंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 150 ग्राम वाले दो हक्का नूडल्स के बंडल लिए हैं, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पानी को गर्म होने के लिए रखा हुआ था, जो अब उबल चुका है। तो अब मैं इसमें इस हक्का नूडल्स को ऐड कर दूंगी। तो अब हम इसे इस तरह से हल्के हल्के हाथों से थोड़े थोड़े हिलाते रहेंगे, जिससे ये आसानी से खुल सके। तो बस इसे हमें खुलने तक ही पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से खुल गए हैं। तो अभी हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे हम ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब मैं इन सारी सब्जियों को पतले पतले काट लूंगी। तो मैंने इसे काट लिए हैं। अब मैं 2 गांठ लहसुन और 4 हरी मिर्च को भी कट कर लूंगी। अब मैं एक बाउल में 1 टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस और नमक स्वाद के अनुसार मैं इसमें ऐड करूंगी, और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने देर में ये अच्छी तरह से पक गए हैं, और जब इसे हम इस तरह से हाथ से दबाएंगे तो ये देखिए आसानी से टूट गए हैं। तो इससे ज्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। अब इसे हम गर्म पानी से निकाल कर अलग बर्तन में रख लेंगे। अब इस पर हम तुरंत ही ठंडा पानी डालेंगे और इसे हम 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो लेंगे, जिससे यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए। तो मैंने इसे 4 बार धोए हैं और यह पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि यह कितने लच्छेदार हैं, यह देखिए। तो यह आपस में चिपके नहीं, इसलिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो इसे हम हल्के ही हाथों से करेंगे, नहीं तो यह टूट सकते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया हुआ है और इसमें मैं ऐड करूंगी 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो नहीं भी ऐड कर सकते हो। और अब मैं इसमें यह कटे हुए लहसुन और हरी मिर्च को ऐड करूंगी, और इसे हम बस कुछ सेकंड के लिए ही पकाएंगे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए, हमें इसका रंग चेंज नहीं करना है। अब मैं इसमें कटी हुई सब्जियां, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और बंद गोभी को ऐड करूंगी, और इसे बस हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यह 1 मिनट के बाद थोड़े से भून चुके हैं और यह अभी क्रंची ही है। अब मैं इसमें यह विनेगर सॉस और नमक वाला मिश्रण को ऐड करूंगी और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें यह उबले हुए नूडल्स, जो हमने अभी उबाल कर रखे हुए हैं, उसे हम इसमें ऐड करेंगे। अब मैंने यह 2 सर्विंग स्पून लिए हैं, इससे मैं सावधानी से इसे धीरे धीरे उलट पुलट करूंगी और इसे हम आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे हक्का नूडल्स बनकर के तैयार है, और आप देख सकते हो कि यह कितने लच्छेदार बने हैं। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। चलिए मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कि यह कितने लंबे लंबे और लच्छेदार बने हैं, और यह बहुत ही टेस्टी भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।